हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप घर पर किस प्रकार प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए सही चाहिए कोलगेट और सवेरे का यूरिन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस प्रकार घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आप कोलगेट की मदद से आप घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। कोलगेट से आप यह जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए कोलगेट और सवेरे का यूरिन। इस बात का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि यूरिन सवेरे का ही हो। जब आपका पहला पेशाब होता है उसी से ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती है। उसकी ही मदद से आप जान पाएंगी कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर आप किट में भी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो भी आप सवेरे का यूरिन ही लें, जिससे बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आप गर्भवती है या नहीं। पीरियड मिस होने के बाद कई महिलाएं ये जानने की उत्सुकता रखती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। आप बहुत सारे तरीके आजमाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के। आप डॉक्टर को भी चेकअप करवाते हैं, पर आप घर पर ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कोलगेट की मदद से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब कोलगेट की मदद से आप जानेंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। आपको कोलगेट यूरिन में डालना है। आप इसमें इतनी मात्रा में कोलगेट डाल लें। देखिए, अगर इसमें झाग बनना शुरू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर इसमें कोई झाग नहीं बनते हैं तो समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। आपको कम से कम इसका 3 या 5 मिनट तक आपको वेट करना होगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। यह एक बहुत ही आसान और घरेलू तरीका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। अब हम 5 मिनट तक इसका वेट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं बना है, तो इसका मतलब यह है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। अगर आपको इसमें जरा से भी झाग नजर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेगनेंट है। फ्रेंड्स, आप एक बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कम से कम 7 दिन बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तब आप कम से कम 7 या 8 दिन बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। अगर उसके बावजूद भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया तो आप डॉक्टर को चेकअप करवाए, क्योंकि काफी बार कमजोरी की वजह से भी पीरियड लेट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।